के आ रही हूँ। मैंने मेरी भाभी की साड़ी आज पहनी हुई है। अब चलो चलते हैं, भाभी हलवा बना रही है, आप लोग के साथ उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। इसके बाद सब्जी बनानी है। देखो बाबू और दीप भी आ गए। क्या हुआ बाबू? इनका जो टीथ ना वो बढ़ता चला जा रहा है। देखो तुम आप मुंह बंद कर लो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो और चलो दिखाओ देंगे। देख साफ साफ करा देंगे। सबसे हाय तो कर लो बाबू। हाय करो, हाय करो, हाय कर लो। नहीं करोगे? आपको चोट लग गई, सबको बता दो। दिखा दो, कुछ नहीं लगी। यहाँ कैसे लगी? दिल अच्छा ठीक है, जाओ। सो गाइज, मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था, घी गरम हो गया, तो मैं यहाँ पर रवा भून रही हूँ। सॉरी, स्टार्टिंग की क्लिप मुझसे डिलीट हो गई। आई एम सो सॉरी गाइज, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जब रवा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर देना है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग दूध। आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। एंड हाँ, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी पीस के रख सकते हैं इस हलवा में मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग दूध डाल दिया, आप देख सकते हो। अब इसको अच्छे से चला लेना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तब आपको इसमें ऐड करनी है चीनी। चीनी आप कोई भी ले सकते हो। ये देखिए, मैं यहाँ पर ये वाली चीनी ले रही हूँ नॉर्मल। अब इसको ऐड कर देना है एंड अच्छे से मिक्स करके गैस बंद कर देना है। सो देखा ना आपने, हमारा हलवा कितने आसानी से रेडी हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और फीवर हुआ है, इसलिए मैं और भी लेट गई हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से, शायद मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। अजीब सी फीलिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कल जाना है डॉक्टर को दिखाने, टीथ में जो प्रॉब्लम है ये नहीं, ये तो दवा मेरी चल रही थी ना, उसकी वजह से हो गया था, तो बाद में सही हो जाएगा। इधर टीथ में प्रॉब्लम है, उसे निकलवाना है, तो जाना है। एंड फीवर काफ़ी तेज़ी से हुआ है, बहुत ज़्यादा फीवर है। पता नहीं आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो या नहीं। मैं लेटी हूँ, वैसे लेट के मैं आप लोगों से कभी बात नहीं करती हूँ, बट आज बिल्कुल भी बेटर फील नहीं हो रहा है। सो मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों से बात करना। कैसे हो आप सब, बताइएगा ज़रूर। पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लाइफ कहाँ से कहाँ जा रही है। कई लोग बोलते हैं दिया पे निकाल दो, नहीं यार, बड़ी शिद्दत के बाद मैंने इसे बनवाया था। अब ये तो जब ये सब मेरे साथ ही जाएगा। कभी कभी निकाल देती हूँ फिर पहन लेती हूँ। कई लोग बोल रहे थे ये आपका टैटू फेक है क्या, तो यार एक साल होने को है शायद, फेक होता तो ऐसे थोड़ी होता, रियल है। चलो मैं आप लोगों से कुछ देर बाद बात करती हूँ, थोड़ी देर आई क्लोज करके लेटती हूँ, क्या पता थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वॉइस स्किन साइंस का मैंगो बॉडी बटर। ये देखिए, मेरी फैमिली में लोग इसे ज़्यादा यूज किए थे, जो सिट्रस वाला था उसे कम यूज करते थे, मैंगो वाला ज़्यादा यूज करते थे। मेरे जेठ जी ने बोला था, तभी मैंने ये सब मंगाया हुआ था उन्हीं के लिए। और आज देखो मेरे काम आ रहा है ना, मैं भी यूज कर ले रही हूँ। दिमाग इतनी ज़्यादा टेंशन, मैं सुबह से सोच लूँ अभी तक ना तो मेरे फेस पर कुछ लगा है, ना तो फुल बॉडी पर। सारा काम हो गया, सब ने लंच कर लिया, भीनी भीनी खुशबू आ रही है इस बॉडी बटर से कि पूछो मत।
कल ही मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा पैर में भी लगा ले रही हूँ, पैर मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। यहाँ जब से आई हूँ ना बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ, बॉडी ही केयरलेस हो गई हूँ मैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको पता है मुझे वाओ के प्रोडक्ट क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें पैराबीन, सल्फेट, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक फ्रेगनेंस, कोई भी एक्स्ट्रा कलर ये सब कुछ नहीं होता है। आज मुझे मेरी जिठानी की साड़ी पहननी पड़ी है, मुझे कल छोड़ के चले जाएंगे, डॉक्टर को दिखवा के चले जाएंगे। मेरा टीथ निकालना है ना, तो दो दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो मैं रोज़ रोज़ आ नहीं सकती हूँ, तो इसलिए दीप मुझे छोड़ के कल चले जाएंगे। और फिर जब काम रहेगा तो फिर आ जाएंगे। इसे ही मैं फिर लगा ली, मेरी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा खिंची खिंची जा रही है जब से यहाँ पर आई हूँ, प्रॉपर स्किन केयर नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। चलो गाइस आप लोग इसका रिव्यू देख लो, थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लो, इसके बाद मैं जो है देखती हूँ क्या करना है। तो चलो रिव्यू देख लेते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी वाओ स्किन साइंस मैंगो बॉडी बटर की। इसमें आपको मैंगो सीड बटर एंड सिया बटर, स्वीट आलमंड ऑयल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा टू हेल्प सॉफ्टन एंड रिवर्टलाइज डल स्किन। जितने भी बॉडी बटर होते हैं सबका काम अलग अलग होता है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन है नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन, नो कलर। ये तो थी इसकी आउटर पैकेजिंग, ये रही इसकी इनर पैकेजिंग जो कि कुछ इस तरीके की है। वाओ स्किन साइंस मैंगो बॉडी बटर, जो चीज़ यहाँ पर मेंशन है वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो, वाओ मन कर रहा है मैंगो खा लूँ। नेट वेट आपको मिलता है 200 ml, प्राइस है 499, सेल्फ लाइफ 1 ईयर, आफ्टर मैनुफैक्चरिंग क्रुएल्टी फ्री, 100% वेगन, मेड इन यूएस से। क्या लिखा हुआ है, सॉरी मैंने ठीक से देखा नहीं है, नोट देख के बताती हूँ। पता नहीं, ठीक से दिख नहीं रहा है। फार्मुलेटेड बाई USA एंड ये है ग्लूटेन फ्री। यहाँ पर आपको सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएंगे मेंशन, और पैकेजिंग ये देखिए कुछ इस तरीके की है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए वाओ, सच में वाओ निकलता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बटरी है, कितना ज़्यादा बटरी है। फैमिली मेरी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन सबकी प्राइस, जब सबकी चॉइस अलग अलग है, कोई मैंगो, कोई सिट्रस, कोई रोज़ ऐसे ही पसंद करते हैं, तो सबके लिए अलग अलग मैंने भेज दिया था। और ये काफ़ी टाइम तक चलता भी है, इतना यूज हुआ है, आप देख लीजिए, ये देखिए। सो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ले सकते हो लिंक। बेटा आपका क्या नाम है? नहीं 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 बाबू, इसमें देख के बताओ आपका क्या नाम है? अनिका। अच्छा मम्मा का क्या नाम है? अमित तिवारी। पापा का नहीं? अमित तिवारी पापा का नाम है। अच्छा मम्मा का क्या नाम है? क्या खा रहे हो आप? क्या बोलते हैं इसे, जानते हो? फेंकती है। अच्छा मैं आपको क्या हूँ? ना ना ना, दादी। दादी क्या हूँ? दादी बोलो। दादी, दादी आई, आई लव यू, यू। अच्छा बताओ आपकी बुआ का क्या नाम है? बुआ का नाम अम्मी। मतलब आप पापा से ज्यादा प्यार करते हो, बार बार अमित ही निकल रहा है। आपकी बुआ का नाम है आचल। आचल बुआ की याद आती है? हाँ। नोज में से फिंगर हटाओ। बेटा आपकी आईज कहाँ है? नोज किधर है? लिप्स किधर है? चीक किधर है? आहा, किच्छी दे दो। लव यू बोलो। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। अच्छा आपको पोएम आती है? सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल, ये कौन आया? ये कौन है बेटा? हाँ ये कौन है आपके? दादू। और ए लो डंडा लेके आए हैं। बोलो दादू। दादू ए लो, आप बुड्ढे हो गए, आपके नाती पोते हो गए। अन्ने हम बोल रहे हैं कि आपकी आपकी बुआ का क्या नाम है? तो करिए अमी। पापा का नाम अमी, मम्मा का नाम अमित। मतलब अमित से ज्यादा प्यार करती है। बेटा दादू को दिखा दो, आपकी आईज किधर है? हेयर किधर है बेटा? हेयर
ये ले ना, ये क्यूट छे यार, देखो ये देखो कितनी सिल्की सिल्की हेयर है ना बेटा। आपको डांस आता है? सिंगिंग आती है? सब आते हैं। लव यू बच्चा। अच्छा आप दादी से प्यारी करते हो? आपकी कितनी दादी हैं? आपकी 606 दादी हैं। दादी कुछ 6 दादी हैं। मैं सबसे छोटी वाली दादी हूँ। हाँ मैं सबसे छोटी वाली दादी हूँ बेटा, ठीक है। सबसे बुढ़ी दादी को बुलाती है सबसे बड़ी वाली दादी। बड़ी वाली दादी किधर है बेटा? हाँ किधर है? आपके चाचा किधर हैं? छोटे चाचा? आपके छोटे चाचा किधर हैं? छोटे चाचा अपने घर है। छोटे चाचा अपने घर है। नंदू है? नंदू छोटे चाचा? नंदू नहीं, प्रत्यु है। बहुत ज्यादा धूप लगने लगी यार। सो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30। सबने लंच कर लिया, हम आ गए हैं छत पे। वीडियो पोस्ट करना था, नहीं पोस्ट करेंगे तो जा नहीं पाएगा, और आज चाहे जैसे ब्लॉग जाना ही है, जाना है, तो इसलिए छत पे काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है। और आज है वेडनेसडे और 11 मार्च। कल हम लोगों को यहाँ से निकल भी जाना है। सो, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं देखो। ब्लॉग हो गया काफ़ी ज़्यादा लंबा। पता नहीं क्यों गांव में हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत तेज़ शोर हो रहा है। सो, अब मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आपसे मिलती हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय। सी यू।